subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. बिग बॉस का ये सीजन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, एंटरटेनिंग और ड्रामा से भरपूर रहा है और इस सीजन का फिनाले भी कुछ कम नहीं होने वाला है। बिग बॉस के टॉप 3 कंटेंडर्स हमें मिल चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमारे पास नाम है वो टॉप 3 कंटेंडर्स के जो बिग बॉस की रेस में आगे बढ़ चुके हैं। तो चलिए, आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं और बताते हैं वो कौन है टॉप 3 कंटेंडर्स जो बिग बॉस के फिनाले में आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले है श्रीशांत, दूसरे नंबर पे हैं दीपिका कक्कर इब्राहिम और तीसरे पे हैं दीपक ठाकुर। जी हाँ, ये वो 3 टॉप कंटेंडर्स हैं जो बिग बॉस के फिनाले एपिसोड में आगे बढ़ चुके हैं। टॉप 5 में से करणवीर बोहरा और रोमिल चौधरी इस रेस से बाहर हो चुके हैं और अब इन तीनों में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। सभी फैंस बहुत ज्यादा भर भर के वोट कर रहे हैं इन तीनों को और इन तीनों में से एक विनर चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है बिग बॉस मेकर्स को। इन तीनों की ही जर्नी बिग बॉस में बहुत ही ज्यादा यादगार रही है। इन तीनों ने ही पूरे इंडिया का दिल अच्छे से जीत लिया है और इन तीनों में से जो भी जीतेगा वो इंसान ना ही बिग बॉस का टाइटल जीतेगा पर साथ ही साथ पूरे इंडिया का दिल जीत लेगा। बिग बॉस 12 का कंपटीशन बाकी सारे सीजन के कंपटीशन से ज्यादा तगड़ा रहा है क्योंकि बिग बॉस 12 की जर्नी भी सारे सीजन की जर्नी से काफी अलग रही है। पहले डे 1 से ही हमें कोई अपना फेवरेट चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया सभी के फेवरेट कंटेंडर्स अलग अलग बनते गए। ऐसा पहली बार ही हुआ है कोई क्लियर कट विनर दिख के सामने नहीं आया है, इसी वजह से कॉम्पिटिशन और भी तगड़ा हो गया है और ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है कि ये तीनों में से कौन जीतेगा। पर मैं आप लोगों को बता, हमारे पास वो इनसाइडर न्यूज है कि इन तीनों की वोटिंग्स में कितने ज्यादा डिफरेंस है। श्रीशांत का और दीपिका जी का रिश्ता हम सभी जानते हैं कितना गहरा है। दोनों के ही भाई बहन का रिश्ता अटूट बंधन में जुड़ चुका है पर हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस का विजेता कोई भी एक ही बन सकता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इन दोनों की वोटिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है, मैं आप लोगों को वो बात याद दिलाना चाहती हूं कि जब विकास गुप्ता घर के अंदर आए थे जय भानुशाली और श्वेता सिंह के, तब जय भानुशाली ने दीपिका को एक सवाल पूछा था कि अगर श्रीशांत और बिग बॉस की ट्रॉफी में से चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगी। तो उसमें दीपिका ने ये जवाब दिया था कि हम सब यहाँ पर जीतने आए हैं। तो ये साफ साफ नजर आता है कि दीपिका ट्रॉफी की ओर ज्यादा जाएंगी और अगर अपने भाई या ट्रॉफी में से चुनना पड़े तो वो जाहिर सी बात है ट्रॉफी को ही चुनेंगी। पर ये जानना ज्यादा मायने रखता है कि अगर श्रीशांत को दीपिका और ट्रॉफी में से चुनना पड़े तो वो किन्हें चुनेंगे, क्योंकि श्रीशांत और दीपिका जी के बीच में 5,502 वोट्स का डिफरेंस है। जी हाँ, श्रीशांत लीड कर रहे हैं वोट्स के आधार पर दीपिका जी से। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनने में आया है पिछले साल की तरह इस साल भी लाइव वोटिंग होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग में ढेर सारा बदलाव आ सकता है और फिर आगे लीड में कोई भी आ सकता है, चाहे वो श्रीशांत हो, दीपिका हो या फिर हमारे थर्ड टॉप कंटेंडर दीपक ठाकुर ही क्यों ना हो। अगर लाइव वोटिंग हुई तो दर्शक पूरा गेम ही बदल सकते हैं और अगर लाइव वोटिंग नहीं हुई तो हम सभी जानते हैं कि कौन बन सकते हैं बिग बॉस 12 के विजेता। श्रीशांत बिग बॉस के खेल में 5,502 वोट से सभी से आगे हैं और अगर लाइव वोटिंग नहीं हुई तो यही वो होंगे जो बिग बॉस की ट्रॉफी अपने हाथ में ले लेंगे और क्रिकेट की तरह ये ट्रॉफी भी अपने घर पे लेके जाएंगे। श्रीशांत को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी बिग बॉस का विजेता बनने की क्योंकि उनके क्रिकेट की कंट्रोवर्सी के बाद से ही सभी के दिल में वापस जगह बनाना था उन्हें और इसी वजह से वो बिग बॉस 12 में आने के लिए राजी हो गए थे और फिर उन्होंने सभी के दिल में दोबारा जगह वापस बना ही ले ली। श्रीशांत बिग बॉस में आने के बाद सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंटेंडर दिख के नजर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का जो भी विजेता होगा वो डिजर्विंग ही हो। आप लोग हमें कमेंट्स के जरिए ये बताइए कि आप लोग किसे विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं तुषाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आगे ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए पॉप बॉलीवुड को।